फ्रेश किचन बिट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं आलू, चॉप किया हुआ प्याज, हल्दी, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर जो कि भुना हुआ है, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चॉप किया हुआ धनिया और ब्रेड। उबले हुए आलू में हम चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, जितना आपको तीखा पसंद है, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, चॉप किया हुआ प्याज। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारे आलू और सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। अब हम दूध की तैयारी करेंगे। हमने इस ब्रेड को साइड से काट दिया है। अब हम ये मसाला इसमें भरेंगे। उससे पहले हमें इस ब्रेड को हल्का सा गीला करना है पानी से। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे गीला कर रही हूँ। ज्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। हल्का सा गीला होने के बाद इसे हल्के हाथ से थोड़ा दबा देना है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है और फिर हल्के हाथ से इसे दबाना। हमारे रोल्स बनके तैयार है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। एक एक करके अब हम इसे तेल में तलेंगे। एक टिश्यू पेपर में इसे निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब कर दे और बाकी के भी रोल्स हम एक एक करके उसी तरह तल लेंगे। अब हमारी डिश तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं।